नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी भारती समाचार में। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। लखीमपुर खीरी के गोला की समस्या समाधान, परिवार के बैनर तले 26 जोड़ों का दहेज सहित सर्व समाज सामूहिक विवाह का कार्यक्रम गोला के समीप ग्राम कंजा ब्रह्म बाबा स्थान पर बड़े भाई श्री रजनीश गुप्ता के आयोजन में बड़े ही धूमधाम के साथ सम्पन्न हुआ, जिसमें सभी कन्याओं को ढोल नगाड़े के साथ विदाई हुई, जिसमें नगर के सम्मानित गढ़ व पदाधिकारी गढ़ तन मन धन के साथ संयोग कार्य में लगे रहे, जिसमें कृषांश गुप्ता, संदीप निषाद, चंद्र प्रकाश मौर्य, अजीत जैन, लालू गुप्ता, निखिल गुप्ता, जुबैर अहमद, इराकी दिलसाद, प्रमीण गुप्ता, अशोक कन्नौजिया, पवन गुप्ता, महेश गुप्ता आदि लोगों ने कार्यक्रम को कराने में अपना पूर्ण सहयोग किया। दहेज सहित सर्व सामूहिक विवाह संपन्न हुआ। यूपी के मैनपुरी के एक गांव की रहने वाली 3 सगी बहनें अपने घर से अचानक रात को लापता हो गई। सुबह जानकारी होने के बाद उनके परिजन परेशान हो गए। सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस किशोरियों की तलाश में जुट गई। हालांकि अभी तक तीनों का सुराग नहीं लगा है। पूरी घटना मैनपुरी के थाना दन्नाहार क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति की 3 पुत्रियां रात को घर से बरामदे में सोई थीं। सुबह तड़के जब परिजन जागे तो दरवाजे खुले हुए थे, तीनों लड़कियां वहां से गायब थीं। तीनों की उम्र 17 वर्ष, 12 वर्ष व 10 वर्ष है। तीनों बहनों के गायब होने के बाद घर में कोहराम मच गया। सूचना मिलने के बाद थाना अध्यक्ष विनोद कुमार भी मौके पर जांच करने पहुंचे। हालांकि घर में मिली एक कॉपी में लिखा हुआ था कि वे पढ़ाई की वजह से जा रहे हैं, यूपी में रहकर ही पढ़ाई करेंगे, अपनी मां को भी साथ ले जाएंगी। बच्चियों के गायब हो जाने के बाद माता पिता व अन्य परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हालांकि ये भी जानकारी मिली है कि माता पिता के बीच चल रहा घरेलू विवाद इस घटना का कारण बताया जा रहा है। मैनपुरी के दन्नाहार थाने में महटौली गांव से 3 बच्चियां गायब हुई। कल उनके द्वारा एक लिख करके भी छोड़ा गया कि वो पढ़ने के लिए बाहर जा रही हैं, यहां पे नहीं रहेंगी। इस संबंध में तत्काल अभियोग पंजीकृत कर दिया गया और साथ ही आज इन लड़कियों की दिल्ली में होने की जानकारी मिली है, जहां पुलिस टीम भेजी गई है और शीघ्र ही इनकी बरामदगी की जाएगी, आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वास्तव में पढ़ने के लिए क्या होती मामला? अब ये जब लड़कियां आ जाएंगी तो उनसे पूछताछ के बाद से जानकारी हो जाएगी कि वास्तव में क्यों गई थी। यूपी के फरुखाबाद में नवजात शिशु का सड़क के किनारे पड़ा मिला शव। नवजात शिशु का शव मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी। भ्रूण हत्या कर फेंका गया नवजात शिशु का शव। नवजात शिशु का शव देखने के लिए लगी भीड़। कस्बे में हो रही तरह तरह की चर्चाएं। ग्रामीणों ने नवजात शिशु का शव मिलने की पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामला जनपद फरुखाबाद के नवाबगंज कस्बा का बताया जा रहा है। महाराजगंज जनपद के पनियरा थाना क्षेत्र के नरकटहा गांव में रजही टोले पर आज उस समय एक दर्दनाक हादसा हो गया, जब लगातार हो रही बारिश से नवनिर्मित मकान का छज्जा गिरने से बुजुर्ग दंपति की मौत हो गई, जबकि एक 8 वर्षीय बच्चा घायल हो गया। वहीं घायल बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। इस दर्दनाक हादसे के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बुजुर्ग दंपति के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं प्रशासन के द्वारा इस वेदीय आपदा से हुई मौत के बाद प्रशासन के द्वारा परिजनों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। पिछले 24 घंटे में आप लोग देख ही रहे हो, काफ़ी तेज बारिश हो रही है। आज लगभग 1 बजे करीब जो है पनीरा ब्लॉक में एक गाँव में गड्ढा जो है वहाँ पर जो है इस तरह की घटना घटित हुई है। छज्जा गिरने से जो है पति पत्नी दोनों की मौत हो गई है। नेबूलाल 75 वर्ष और राजमती जो है ये 72 ईयर्स लगभग इनकी उम्र की जो है इन दोनों की जो है मौत हो गई है। एक बच्चा है 6 साल का जो है हिमांशु जो है वो घायल है, उसका उपचार निकटवर्ती स्वास्थ्य केंद्र पर चल रहा है, वो खतरे से बाहर है। चूँकि लगातार बारिश हो रही है और ये निश्चित रूप से जो है दैवीय आपदा की
परिधि में आता है और जैसे कि वार्ता हुई डेड बॉडी को पीएम के भेजा जा रहा है, 24 घंटे के अंदर सहायता दिया जाएगा, ऐसा मैं पूरा प्रयास करूँगा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर। उत्तर प्रदेश के एटा में संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर लटका मिला विवाहिता का शव। पति पत्नी में विवाद के बाद पत्नी का फांसी के फंदे पर लटका मिला शव। ससुराली जन कमरे में महिला के शव को छोड़कर हुए फरार। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर भेजा पोस्टमार्टम हाउस। पुलिस घटना की बारीकी से कर रही है जांच। मृतक महिला का नाम चरण देवी, पत्नी पुष्पेंद्र, निवासी बमनई, थाना पिलुआ बताया जाता है। थाना पिलुआ के गांव बमनई की है घटना। मामला ये है कि कल इनमें विवाद हुआ है और इनकी मारपीट की है, मारपीट करके और दीवार में वो मारा है मुंह और खून लेकर आया उसका। किसमें विवाद हुआ था? किसमें विवाद का है? लड़ाई हुई है उन्होंने पहले। किसमें? पत्नी? हाँ, पत्नी हो गया है। फिर उन्होंने पीटा है, ससुर ने भी पीटा है उन्होंने। किनको? किन्हें पीटा है? हमारी बहन जी को। किस अवस्था में मिली थी फिर ये? हमें लटकी हुई मिली है। कहाँ पर? कमरे में। कमरे? कभी घटना है? ये कल की है, कल शाम को। जनपद अयोध्या में ईंट निर्माता समिति अयोध्या की बैठक सिविल लाइन स्थित होटल में संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता मनीराम वर्मा ने की। सभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश ईंट निर्माता समिति के अध्यक्ष श्री अतुल कुमार सिंह ने कहा, केवल ईंट भट्टों पर ही जीएसटी की दर में बेतहाशा वृद्धि कर दी गई है। जो जीएसटी की दर पहले 1% समाधान योजना थी, उसे बढ़ाकर 6% तक, जो दर 5% रेगुलर थी उसे बढ़ाकर 12% कर दी गई है, अर्थात 600% व 240% की बेतहाशा वृद्धि कर दी गई है। एवं कोयले के मूल्यों में भी अभूतपूर्व वृद्धि हो गई है। जो कोयला पिछले वर्ष 800 व 1000 प्रति क्विंटल टन में था, वो कोयला अब 20,000 से लेकर 27,000 प्रति क्विंटल टन हो गया है, जिसके फलस्वरूप ईंटों की लागत मूल्यों में काफ़ी बढ़ोतरी हो गई है। इसके विरोध में देश के प्रत्येक जिलों ने जिला मुख्यालय से लेकर देश के सबसे बड़े प्रदर्शन स्थल नई दिल्ली के जंतर मंतर पर भी धरना प्रदर्शन किया, परंतु इसका सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इससे विवश होकर अखिल भारतीय एवं ईंट टाइल्स निर्माता महासंघ नई दिल्ली के द्वारा नई दिल्ली में हुई बैठक में देश के संपूर्ण ईंट भट्टों के लिए हड़ताल की घोषणा कर दी गई है। समिति की बैठक अभी दिल्ली के अंदर संपन्न हुई, जिसमें ईंट भट्टों के ऊपर जीएसटी की बेतहाशा वृद्धि और कोयले की, 10,000 का कोयला 26,000 रुपये में बिका है इस साल, और कोयले के इस ट्रेड में कुछ ऐसे माफिया लगे हैं कि जिनको सरकार नियंत्रित करना चाहे तो कर सकती है लेकिन कर नहीं पाई, जिसकी वजह से जो है हमारे लागत मूल्य में बेतहाशा वृद्धि हो गई है। और इस वृद्धि के कारण तमाम लोग हमारे इस बार भट्ठे चला नहीं पाए और चला रहे थे तो बीच में उन्हें बंद करना पड़ा। ऐसी स्थिति में सरकार से हमारी मांग थी कि आप 1% का जो 6% और 5% का जो आपने 12% जीएसटी की दरों में परिवर्तन किया है, इसको पूर्ववत कीजिए, नहीं तो ये कुटीर उद्योग के ऊपर एक बड़ा ही ऐसा आपने ब्रह्मास्त्र चला दिया है कि ये उद्योग बचेगा नहीं। सर, लेकिन आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था। मैं हमने धरना प्रदर्शन करने से लेकर प्रेस के माध्यम से और दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर और प्रधानमंत्री को संबोधित जो ज्ञापन था वो जा करके भी हमने दिया था और सारी स्थिति रखी थी, लेकिन सरकार ने अभी इस पर कोई उचित निर्णय नहीं किया और इसी कारण से जो है आज की स्थिति में हम लोग इस कारोबार के संचालन में अपने को असमर्थ पा रहे हैं, क्योंकि जो लागत हमारी है उससे नीचे हमारे ईंटा बिक रहा है, जिसके कारण से भारी क्षति हर भट्ठे वाले की हो रही है पूरे देश के अंदर। इसीलिए ये निर्णय लेना पड़ा जो है भारी मन से,
कि अगले सीजन में जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाएगा तब तक हम भट्ठे चला पाने में अपने को असमर्थ पा रहे हैं। अरे हमने अगले सीजन के लिए अपने भट्ठे बंद कर दिए हैं और सरकार के साथ हम वार्ता के क्रम में हैं। मानसून सत्र में हमारी जो एक कोर टीम बनाई है जिसमें हम सांसदों से मिलकर के मंत्रियों से मिलकर के और उनसे अपनी वेदना अपनी पीड़ा फिर कहेंगे और जब तक समाधान नहीं होता है तब तक हम भट्ठे चला पाने में अपने को असमर्थ पा रहे हैं। तो जो ज्ञापकों को लेकर शासन बिल्कुल धरना प्रदर्शन किया था, शासन में हमारी कई चक्र की बात हुई थी, मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर भी जो है एक हमारी बैठक हुई और ये हुआ था कि आपकी उस पर कोई सहानुभूतिपूर्वक विचार करके कोई निर्णय लिया जाएगा, किंतु निर्णय की प्रक्रिया इतनी धीमी है। बलरामपुर जिला स्वास्थ्य समिति के तत्वाधान में सेव द चिल्ड्रन संस्था के सहयोग से बृहस्पतिवार को CMO होटल आदित्य इन बलरामपुर में एक मीडिया वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य समुदाय में विशेष रूप से बूस्टर और बच्चों में कोविड वैक्सीनेशन के प्रति जागरूकता लाना है, जिससे कि कोविड टीकाकरण और भी मजबूत किया जा सके और हर वर्ग में 100% टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। इस अवसर पर विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि व मीडिया कर्मी के साथ सेव द चिल्ड्रन की टीम के लोग मौजूद रहे। अयोध्या के खाक चौक स्थित हनुमान बाग के पास आश्रम सीताराम विहार कुंज में एक श्रद्धालु भक्त के द्वारा ब्राह्मण साधु संतों का भोज भंडार किया गया, जिसमें अयोध्या के साधु संत आए और भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। वहीं सीताराम विहार कुंज व पुरुषोत्तम दास निष्काम सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष व महंत रामचंद्र दास ने बताया कि अयोध्या में साधु संतों को भोजन कराने का महत्व बहुत ज्यादा है। हमारे आश्रम से जुड़े श्रद्धालु भक्त छत्तीसगढ़ से आए थे। इनकी इच्छा थी कि आषाढ़ अमोशिया के समय में भंडारा कराने की, तो ये हमारे भक्त ने भंडारा किया और बहुत प्रसन्न हुए। आश्रम में सीताराम विहार कुंज में एक भक्त के द्वारा ब्राह्मणों को संतों का भोजन था और उसमें जिन लोगों को इनवाइट किया गया था वो सब लोग आए थे, उनका भोजन प्रसाद हुआ और अयोध्या में भोजन कराने का महत्व भी ज़्यादा है। तो ये छत्तीसगढ़ के थे भक्त जी, उनकी इच्छा थी कि अमोशिया के समय में आषाढ़ अमावस्या के समय में आकर यह भंडारा कराएं, तो उन्होंने भंडारा कराया और बड़े प्रसन्न हुए, गदगद हुए और बहुत अच्छे से भोजन प्रसाद चला। जितने भी श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ पे हम तो समझते हैं कि सबसे ज़्यादा भगवान के प्रिय नज़दीक बंदर लोग रहे हैं, उनके लिए भी ये कुछ अनुदान करें, बंदरों को भी भोजन कराएं जो डिस्टर्ब कर रहे हैं हर आश्रमों को, हर यात्रियों को, हर पथिक को। तो बंदरों को अगर पेट भर जाए ना तो वो किसी को परेशान नहीं करेगा व्यक्ति, बाकी उसके बाद तो जो भी मठ मंदिर वहाँ भोज भंडारा हो ही रहा है, भंडारा कर ही रहे हैं और जहाँ जहाँ खुद भी देखें कि कहीं कचरा है तो खुद भी सफा करने का प्रयास करें, उसमें सहायक बने। क्या नाम हमारा? रामचंद्र दास। कौन सा मंदिर है? पुरुषोत्तम दास निष्काम सेवा ट्रस्ट।